हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि SPSS को डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए डेटा को एनालाइज करने से पहले हमें डेटा को अरेंज करना होता है एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में। हमारा जो भी रिसर्च का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने डेटा को अरेंज करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो हम ये देखिए काफ़ी ये सब केसेस देखेंगे। जैसे देखिए पहला है केस समरीज, कि जो भी हमारे पास डेटा है उसका डेटा को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि डेटा का नेचर क्या होगा। देन सिलेक्ट केसेस, जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा बहुत सारा है, तो मान लीजिए हमें जैसे कि डेटा हमारे पास मेल का भी है फीमेल का भी है, लेकिन हमें जो है हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कुछ एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता है, तो हमें एनालाइज करना है चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है। क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं तो वो पूरे डेटा को एक साथ एनालाइज करता है, बट अगर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर का चाहिए तो एक दूसरे जेंडर को हमें क्या करना होगा, कट करना होगा। तो SPSS से तो डेटा को एक बार हमने सेव कर लिया तो ये तो है नहीं कि हम एक बार फीमेल का डेटा हटा देंगे और फिर जेंडर का देख और फिर हम मेल का देखेंगे, या फिर मेल का डेटा आगे हटा के फिर हम मेल का देखेंगे, ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेलेक्ट केसेस यानी कि एक टूल है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी डेटा है चाहे वो जेंडर वाइज हो चाहे कोई भी केस हो जेंडर वाइज है, तो हमें मान लीजिए फीमेल का डेटा चाहिए तो मेल का डेटा हम कुछ टाइम के लिए उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मैं उसको कट वहाँ पर करेंगे, वो डेटा वहाँ से डिलीट नहीं होगा बट थोड़े टाइम के लिए वो कट हो जाएगा, ठीक है। देन कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल, मान लीजिए कोई डेटा ऐसा है जिसको हम जो हमने अपने क्वेश्चनर के हिसाब से जो हमने रिसीव किया था बट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है, बट हमें क्या करना है उसको हमें दूसरे उसी सेम वेरिएबल को हमें दूसरे तरीके से कंप्यूट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे बाय कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल, अभी हम देखेंगे वो। देन रिकोड, समटाइम्स क्या होता है जैसे मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चनर से आपने जैसे मान लीजिए एज पूछा रिस्पोंडेंट्स की आपकी एज क्या है, आपने पूछा इन एब्सोल्यूट फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपको जो करेक्ट एज बजाएगा लाइक 18 हो 20 हो 25 हो 42 हो कुछ भी हो, आपने उनको रेंज ही नहीं बताई, ठीक है, आपने क्या आप क्या हमें एग्जैक्ट एज बताओ। इसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा, मान लीजिए आपके आपने आपका ऑब्जेक्टिव है वो बताना है कि इस एज के ग्रुप के लोग कितने हैं आपके रिस्पोंडेंट में, तो आप कैसे पता लगा, आपने इसको रिकॉर्ड करना होगा, कैसे करेंगे वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। देन सॉर्ट केसेस, ये तो आपको नाम से पता है सॉर्टिंग होती है चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो ईजी है, ठीक है। तो आज हम ये सब केसेस देखेंगे और फिर आपको देखेंगे कि डेटा को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो पहला देखते हैं केस समरीज, कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ये हमारे पास ये डेटा था, मैं इसी डेटा को सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो देखिए केस समरीज में यहाँ पर हम देख रहे हैं केस समरीज, जैसे देखिए आप क्या करना है आपको, जस्ट गो टू एनालाइज, गो टू रिपोर्ट एंड ए थर्ड वन दैट इज केस समरीज, ठीक है। अब आपको देखना है जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल वेरिएबल दैट मीन्स आप क्या देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं एक है ग्रुपिंग वेरिएबल एक है वेरिएबल, देखिए ग्रुपिंग वेरिएबल इन द सेंस जो कि आपके पास जो है नॉमिनल डेटा हो, यानी कि आपके पास कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा हो, कैटेगोरिकल डेटा मीन्स जैसे सपोज मान लीजिए जेंडर, इसकी दो कैटेगरी हमारे पास मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर क्या ग्रुपिंग वेरिएबल में रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हो वेरिएबल में, यानी कि आप क्या मेजर करना चाहते हो, यानी कि क्या पता लगाना चाहते हो मेल एंड फीमेल जेंडर वाइज, आप क्या पता लगाना चाहते हो, ऐसे मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि मेल एंड फीमेल की सैलरी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो इनकम में देख लिया मैंने, इनकम बेसिस में जाना चाहता हूँ तो वेरिएबल लिख दिया मैंने इनकम, यानी मैं जेंडर वाइज मुझे पता लगाना है कि किस जेंडर की इनकम ज़्यादा है और किस जेंडर की इनकम कम है, ठीक है। तो देन सेलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, हम मीन से पता करेंगे, मीन को सेलेक्ट करिए एंड देन प्रेस दिस एरो, ये ऐड बटन है, यहाँ पर मीन आ गया। ऐसे आप कुछ भी देख सकते हो, मीन देख सकते हो, समेशन देख सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम रेंज,
ऐसे बहुत सारे आपके स्टैटिस्टिक्स कुछ आप देख सकते हो। अभी मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि एवरेज यानी कि इन दोनों में एवरेज सैलरी जो है किसकी कम है किसकी ज्यादा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो आपने मेन सेलेक्ट कर लिया एंड जस्ट प्रेस कंटिन्यू। ओके तो ये देखिए इनकम है आपकी, ये मेल है, पहले जेंडर मेल का दिखा रहा है और ये रेस्पोंडेंट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट रेस्पोंडेंट जो है उसकी इनकम जो बिलो 5 लाख है, सेकेंड है उसकी बिलो 5 लाख है, तो जैसे जैसे जिसने रेस्पॉन्ड किया होगा वो है उसकी है। देन टोटल देखिए मेल कितने हैं, 46 हैं, फीमेल हैं टोटल दैट इज 54। अब देखिए यहाँ पर देखिए मीन, अब सर मीन देख रहे थे, अगर आप देखिए मीन तो यहाँ पे लिखा होगा 2। यहाँ पर 2 का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ 2 का मतलब क्या है। बट आप याद रखिए कि मेल का जो है मीन का दिखा रहा है 2, बट फीमेल का कितना दिखा रहा है 1.76। अब हमारे पास डेटा जो है वो है यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये डेटा था, हमने आपको बताया था कल, आप कल मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि जो आपकी जो इनकम है वो हमने इसकी जो वैल्यू भी देखी क्या डाली थी हमने, देखिए 1.4 दैट इज बिलोंग किसको कर रहा है वो बिलो 5 लाख, 2 5 लाख टू 7,50,000, 3 7 लाख टू 10 लाख, 4 अबव 10 लाख, हमने इसी तरह इसकी वैल्यू जो डिफाइन की थी। तो वो डेटा जो मीन जो है इसी के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा है, यानी कि अगर मेल का अगर 2 दिखा रहा है दैट मीन्स उनका मेन एवरेज सैलरी जो है 5 लाख टू 7,50,000 है मेल की, और फीमेल की कितनी आ रहा है 1 पॉइंट यानी कि 2 से कम है, लेस देन 2 है, तो यहाँ पर कहाँ बिलोंग कर रही है वो मैक्सिमम यहाँ पर बिलोंग कर रही है। सो इन दैट केस हम क्या क्या पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि मेल की जो इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, राइट। तो वो इस तरह से यहाँ पर मेल जो है आपका जो है वो आपका डेटा जो है वो इस तरह शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो 1.76 फॉर फीमेल एंड 2 फॉर मेल, ठीक है। आप इससे कोई भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कोई और डेटा देख सकते हैं लाइक गो टू एनालाइज रिपोर्ट के समरीज, इनकम कोटा का मान लीजिए कुछ और देख सकते हैं, इनकम ना जान के मान लीजिए हम देखना चाह रहे हैं सपोज एज भी देख सकते हैं कि भी एज वाइज भाई किसकी एज ज्यादा है, ज्यादा है रिस्पोंडेंट की, हमने उसको भी ग्रुपिंग में किया था। गो टू स्टैटिस्टिक्स, ये मीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन प्रेस ओके। तो देख सकते हैं, देखो मेल की जो है एवरेज मीन एज कितने 1.24 है एंड फीमेल की है 1.23। तो इसमें देखिए जो है मेल की जो है एज ज्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ग्रुपिंग में किया था, देखिए एज यहाँ पर देखिए 1.2 यानी कि मोर और लेस सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों की जो है मीन यानी कि एवरेज एज कितना है तो 18 टू 30 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और कोई केस देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए गो टू एनालाइज रिपोर्ट्स केस समरीज, अब एज हटा देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं सपोज ऑक्यूपेशन देख ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो एक बार हम ऑक्यूपेशन का देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह इसको हमने अरेंज किया था ऑक्यूपेशन को। ऑक्यूपेशन यानी कि 1 फॉर स्टूडेंट, 2 फॉर एम्प्लॉई, 3 फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एंड 4th फॉर रिटायर पर्सन। एंड हमारा डेटा आउटपुट क्या शो कर रहा है, मेल का दिखा रहा है एवरेज दैट इज 1.72। 2.4 क्या था देखिए यहाँ पर, 1.4 था आपका स्टूडेंट एंड 2.4 था एम्प्लॉई, यानी कि सैलरी इनकम इनकम भाई, तो यहाँ पर 1.72 शो कर रहा है, यहाँ पर 1.63 शो कर रहा है, तो इसमें मोर और लेस सेम है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसकी एवरेज इनकम या कुछ भी मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो आप इजिली इसको जो है यहाँ पर केस समराइज करके आपका नेचर जान सकते हो कि नेचर का डेटा का नेचर क्या है, राइट। तो अब तक हमें मोर और लेस ये शो कर रहा है कि भाई टूवर्ड्स मेल ज्यादा शो कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है अभी हमें डेटा यही शो कर, ठीक है। चलिए तो ये था आपका फर्स्ट केस दैट इज कॉल्ड केस समरीज, देन सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट केस। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए जैसे देखिए हमारा डेटा यहाँ पर जो है मेल का भी है फीमेल का भी है, ठीक है, डेटा जो है आपका मेल भी है फीमेल भी है। बट मान लीजिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए फीमेल का डेटा चाहिए, मेल का चाहिए नहीं, मैं सिर्फ फीमेल का डेटा को जो है मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, तो क्या कैसे करना है इसको, गो टू डेटा,
गो टू डेटा, एंड देन सेलेक्ट लास्ट सेकेंड ऑप्शन दैट इज सेलेक्ट केसेस, क्लिक ऑन इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ जेंडर में है ऐड करिए, एंड देन ई इक्वल टू वन, ई इक्वल्स टू वन। तो देखिए अगर एक इक्वल्स टू वन करेंगे, ओके कीजिए। अब देखिए ये डेटा देखिए, ई इक्वल्स टू मैंने वन किया तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका डेटा जो है वो कट हो गया। देखिए ये मेल सारे अनिरुद्ध, नितेश, तनिष, राघव, साहिल, ये सब के यहाँ का मेल का डेटा है वो जो कट हो चुका है, यानी कि फिर से फीमेल का डेटा यहाँ पर लेस हो रहा है। अच्छा सर आपने वन कैसे लिखा वो समझ नहीं आया। देखिए जब आप वेरिएबल भी में जाएंगे तो जेंडर में आपने देखिए वैल्यू क्या सेंड की, डिफाइन की थी, 0 for male 1 for female। जब आपने इक्वल्स टू वन वहां पर किया था दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल का डेटा चाहिए। अगर आप 0 करेंगे तो सिर्फ मेल का डेटा शो करेगा, फिर फीमेल का सारा डेटा जो है वो कट हो जाएगा, राइट। तो आपको जो डेटा चाहिए आप वहां पर करना है इक्वल्स टू वन या जीरो। इक्वल टू जीरो करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेल का डेटा शो होगा और फीमेल का कट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वाइस वर्सा होगा। तो अब देखिए मान लीजिए मैं कोई भी डेटा यहाँ पर, मैं मान लीजिए मैं उसी को ही अगर मैं रिपोर्ट करूं, मान लीजिए इसके समरी करूं। अब जेंडर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं जेंडर तो कर नहीं सकता, है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका शो करेगा, किसका, फीमेल का, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। अब मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन करना चाह रहा हूँ, सपोज चलिए मैं मान लीजिए मैं एनालाइज ग्रुप स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी जाना चाह रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी किसकी, मान लीजिए सपोज इनकम की, गो टू स्टैटिस्टिक्स, मान लीजिए जाना चाह रहा हूँ मैं एवरेज, एवरेज एवरेज सैलरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं यही जाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। तो देखिए जब आउटपुट आएगा तो वो क्या शो करेगा, यहाँ पर आउटपुट देखिए यहाँ पर शो कर रहा है टोटल वैलिड केस की दिखा, कितने दिखा रहा है, 169। देखिए हमारे टोटल रेस्पॉन्डेंट कितने थे, ये सारे डेटा किसका शो कर रहा है, इससे फीमेल का शो कर रहा है, आप देख सकते हो। देखिए ऊपर जो है फीमेल जो है कितनी थी, टोटल फीमेल, टोटल फीमेल आई गेस हमारे टोटल टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं, जस्ट अ मिनट, टोटल रिस्पोंडेंट्स आर दैट इज 296, 296 हैं। तो उसमें से जो मेल है मतलब फीमेल जो डेटा है वो कितना है, दैट इज 169, 169 जो है ओवरऑल जो है फीमेल है, और जो है फिर उनकी जो है इनकम इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फीमेल का शो कर रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको इसको आप जो है डेटा में जाके सिलेक्ट फाइल अगर आप ऑल करेंगे तो फिर से आप वहीं पर ही आ जाओगे, यानी कि मेल और फीमेल का डेटा वही शो करेगा, ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, गो टू एनालाइज स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज इनकम, अगर आप देखोगे पैसों के करोगे तो यहाँ पर देखिए अब आपके टोटल रिस्पॉन्ड कितने होंगे, 296। अब वो ऊपर जो डेटा दिखा रहा था वो सारा कितना सिर्फ फीमेल का था, नीचे तो देखो फ्रीक्वेंसी जो दिखा रहा है वो किसे दिखा रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों का दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि सिलेक्ट केसेस देख के आप जेंडर वाइज भी आप देख सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड रिकोड, यानी कि सॉरी कंप्यूट न्यू वेरिएबल, सॉरी पहला है कंप्यूट न्यू वेरिएबल, यानी कि न्यू न्यू वेरिएबल आप कंप्यूट कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। पहले एक बार मैं आपको एक क्वेश्चनर दिखाता हूँ जो मैंने देखिए कलेक्ट कर लिया था, यानी देना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए परसेप्शन आफ्टर कोविड 19, यानी कि रेस्पोंडेंट का कोविड 19 के बाद परसेप्शन क्या है। तो अगर मैं इस परसेप्शन का मुझे मेजर करना है तो मेजर मैं किस तरह फॉर्म मेजर कर रहा हूँ, बाय स्टेटमेंट फॉर्म। तो पहले वे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड इज स्टिल बेस्ट एवेन्यू
देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। देन कोविड-19 विल इम्पैक्ट ऑन माई फाइनेंशियल गोल इन फ्यूचर, आई स्टिल फील कंफर्टेबल टू कंटिन्यू माई इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड, आई एम विलिंग टू विन स्टैंड सम फ्लक्चुएशंस इन माई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इवन आफ्टर कोविड-19। देन माई फाइनेंशियल गोल्स हैव बीन चेंज्ड ड्यू टू कोविड-19 व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो ओवरऑल देखिए परसेप्शन देखिए टूवर्ड्स जो है पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि कोविड-19 के बाद भी जो है लोगों का जो परसेप्शन है म्यूचुअल फंड को लेके वो पॉजिटिव है, यानी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा एकदम से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया या म्यूचुअल फंड की तरफ छोड़कर वो किसी और एवेन्यू में चले गए, ऐसा यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी भी लोगों का म्यूचुअल फंड जहाँ पर अभी पॉजिटिव है। तो अगर मान लीजिए स्टेटमेंट देखिए स्ट्रॉन्गली डिसअग्री, यानी कि तो वो पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर दिखाएंगे कि डिसअग्री मतलब है ही नहीं कि वो पॉजिटिव नहीं है इस स्टेटमेंट से, देन न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव में है, अग्री होगा यस पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गली एग्री दैट इज प्योरली पॉजिटिव, राइट। तो अगर हमें देखना है कि ओवरऑल इनका परसेप्शन क्या होगा रिस्पॉन्डिंग का, तो हमें किस तरह देखना है, तो देखिए आप किस तरह कर सकते हो। पहले आपको जो करना है परसेप्शन का एक अलग से वेरिएबल निकालना होगा, कैसे करना हो देखिए, देखिए आप देख सकते हो कि परसेप्शन के देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे, आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 आई गेस 6 1 2 3 4 5 6 यस 6 स्टेटमेंट है। तो क्या करूंगा मैं इन 6 को क्या करूंगा मैं एक साथ एक मर्ज कर दूंगा, मर्ज कैसे करूंगा मैं इन सब का एवरेज निकाल लूंगा। भाई मान लीजिए रेस्पॉन्डेंट ने सबको मिला के मान लीजिए मैं देखना चाहूँगा कितना है, मान लीजिए सबका रेस्पॉन्डेंट मीन एवरेज है सपोज 4.5, तो 4.5 क्या देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 to 5 यानी कि ये ऑलमोस्ट इलाई कर रहा है बिटवीन अग्री एंड स्ट्रॉन्ग एग्री, दैट मीन्स ऑल द रेस्पॉन्डेंट्स आर फील पॉजिटिव इवन आफ्टर कोविड-19। वहीं अगर मान लीजिए कितना है सपोज 1.5 है, सो दैट मीन्स द रेस्पॉन्डेंट डजंट फील पॉजिटिव आफ्टर कोविड-19 अबाउट दिस पर्टिकुलर एवेन्यू, राइट। तो वो देखेंगे हम, देखिए किस तरह करना है आपको, तो जस्ट गो टू ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट नाम देता हूँ सपोज पॉजिटिव परसेप्शन, यहाँ पर भी आप देखिए स्पेस नहीं दे सकते, जैसे हमने देखा था ना वहाँ पर लास्ट एक्चुअल वीडियो में आप स्पेस नहीं दे सकते वाइल क्रिएटिंग दी वेरिएबल, ऐसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कॉपी टाइप एंड लेबल, यहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है एंड जस्ट प्रेस कंटिन्यू, राइट। अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना है, सिलेक्ट ऑल एंड देन फाइंड फॉर मीन, डबल क्लिक ऑन दिस। अब आपको स्टेटमेंट देखनी है, कौन से स्टेटमेंट देखनी है, परसेप्शन की देखनी है, ये रही परसेप्शन 1 2 3 4 5 6 7, तो वन बाय वन एक एक सिलेक्ट करना है आपको, 1 फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन, ये हो गया। अब इन सबका ये मीन आ जाएगा, एक एवरेज स्कोर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आप इसके इनपुट में देख सकते हो, यहाँ पर देखिए वेरिएबल व्यू में एक ये नया आपका वेरिएबल ऐड हो गया पॉजिटिव परसेप्शन, तो जस्ट क्लिक ऑन सेंटर, डेटा व्यू में जाइए, लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा आपका स्कोर, यानी जो ये अवर रेस्पॉन्डेंट है ये वन आ रहा है, वन का इन द सेंस दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्गली डिसअग्री कर रहा है, 3.5 मीन्स यानी कि न्यूट्रल और अग्री के वो बिल्कुल मिडल में है, तो ये इन सब का एवरेज आ गया, राइट। अब ये इस तरह से दे सकते हो, अब जैसे आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एनालाइज कर सकते हो, जैसे गो टू रिपोर्ट के समरीज, मान लीजिए जेंडर वाइज मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि लोगों का जो परसेप्शन कैसे है, तो परसेप्शन टूवर्ड्स दिस
ओके स्टैटिस्टिक्स मेन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड जस्ट प्रेस ओके। देखिए आउटपुट में क्या दिखा रहा है, देखिए केस समरीज में मेल का कितना आ रहा है, दैट इज 3.33, फीमेल का आ रहा है 3.39, यानी कि फीमेल का जो है वो ज्यादा है, यानी फीमेल ज्यादा जो है पॉजिटिव है आफ्टर कोविड-19। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देखो देख सकते हो। तो ये था आपका दैट इज कॉल्ड कंप्यूट न्यू वेरिएबल। देन द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड रिकोड। रिकोड यानी कि किसी भी वेरिएबल को आप रिकोड कर सकते हो अपने तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई भी केस लेते हैं, जैसे सपोज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स देखें यहाँ पर, जैसे देखिए 3, 5, 3, 5, 4 ऐसे हैं। बट आपको मान लीजिए इसको ग्रुप में करना है, जैसे कि सब की ग्रुपिंग बनी हुई है, एज की भी बनी हुई है, जेंडर की बनी हुई है, इनकम की बनी हुई है, बट ये ग्रुपिंग में नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर एब्सोल्यूट टर्म्स में है। बट अगर आपको इसको भी करना है तो आप किस तरह कर सकते हो, कैसे करना है आपको, देखिए गो टू डेटा, सॉरी गो टू ट्रांसफॉर्म, रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो सेम वेरिएबल यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा, इस पर्टिकुलर में हम डिफरेंट में करते हैं ताकि दोनों ही हो, यानी कि हमको इस तरह का डेटा भी चाहिए एंड जो हम अपने तरीके से करना चाहते हैं रिकॉर्ड वो भी करें। तो रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल दैट आपको जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है, दैट इज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसको आप नाम चेंज कर सकते हो, सपोज फैमिली मेंबर, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, कॉपी लेबल में सेम पेस्ट कर दीजिए, चेंज, देन सेलेक्ट ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, आपको रेंज दे सकते हो, ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ फैमिली मेंबर अगर मान लीजिए सपोज लाइक कर रही है, सपोज कुछ भी दे सकते, मान लीजिए अगर रेंज सपोज अगर किसी के फैमिली मेंबर्स अगर मान लीजिए 2 से कम है ठीक है, लेकिन लिखा हुआ रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू, तो उसको हम वैल्यू देते हैं, सपोज हमने दे दी ए। अच्छा इसको आउटपुट करना होगा, स्ट्रिंग्स में ए दे दिया, ऐड, देन एक रेंज भी दे सकते हो, ऐसा सपोज अगर किसी के फैमिली मेंबर सपोज लाइक कर रहे हैं 3, 2, 5 ठीक है, या 3 to 4 कर देते हैं, तो उसको हमने वैल्यू दी सपोज बी, ये दे दिया ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली मेंबर सपोज अगर 4 या 4 से ज्यादा हैं, तो फिर तो रेंज थ्रू हाईएस्ट अबव 4, तो उसको दे दिया हमने वैल्यू सपोज सी, तो ये हो गया ठीक है ना। तो आप इस तरह देखो दे सकते हो एंड जस्ट प्रेस कंटिन्यू ओके। तो अब यहाँ पे दे सकते हो अपने इनपुट वेरिएबल में, ये देखिए फैमिली मेंबर का एक अलग आपका आ गया एंड देन सेंटर डेटा व्यू में आप दे सकते हो, ये देख लीजिए यहाँ पर अल्फाबेट आ गया। तो इस तरह आप इसको अपने तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड देन लास्ट वन इज वी हैव दैट इज कॉल्ड सॉर्ट। ये बहुत इजी है, सॉर्टिंग करनी होती है इसमें आपको बस। तो जैसे मान लीजिए वो भी डेटा है, मान लीजिए सपोज मैं जेंडर कर लेता हूँ, मुझे सॉर्ट करना है, कैसे करना है, गो टू डेटा एंड सॉर्ट केसेस, इसको सिलेक्ट करूँ, जेंडर करना है सपोज मुझे, अब जेंडर करना है मुझे असेंडिंग ऑर्डर वाइज। अच्छा जेंडर के आपको कोड पता होना चाहिए, आपको कैसे कोड दिया था, यानी कि मैंने दिया था 0 फॉर मेल एंड 1 फॉर फीमेल, तो असेंडिंग करना है तो वो कोड के अकॉर्डिंग करेगा ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल तो देखो यहाँ पर वो स्ट्रिंग्स में है ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मैथमेटिक्स देखेगा 0 या 1, तो असेंडिंग में पहले वो 0 दिखाएगा उसके बाद वो 1 दिखाएगा, तो 0 दैट मीन्स फॉर मेल एंड 1 फॉर दैट इज फॉर फीमेल। तो अगर असेंडिंग करेंगे तो पहले क्या दिखाएगा, मेल। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा, देखो यहाँ सारा डेटा पहले सारा मेल दिखा रहे हैं, देखिए पहले मेल हो गया उसके बाद फीमेल। ऐसे अगर आप मान लीजिए इसको डिसेंडिंग करते हो,
पहले फीमेल हो जाएगा, उसके बाद मेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक वेरिएबल आप उसको पकड़ो, उसको आप उस तरीके से उसको डेटा को आप अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये थे आपके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कि किस तरह से आप अपने स्पेस डेटा यानी जो अपने क्वेश्चन देखो क्वेश्चन जो डेटा है उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।